इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए थे ना हम, और सर ने इतना सिंपल पढ़ा दिया ना, तो मुझे अपने आप में फील होता है कि मैं फिर भी सर को फोन करूंगा तो पूछूंगा क्या। पहले बैच में उन्होंने ज्वाइन किया था, वो बहुत दिन से बोलते थे सिखा दो सिखा दो सिखा दो, उन्होंने भी कहीं नहीं सीखा था, और उनको भी मैंने सिखाया, और उस समय तो इतना कैंडलस्टिक भी नहीं सिखाता था, खाली एमएसडी सिखा देते थे, और आराम से कॉल भेजते और 70,000 80,000 70,000 80,000। अब मैंने बोला आप स्क्रीनशॉट मत भेजो, सो गया बस। ऐसी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको एक सिखाई है ना, ऐसे कितनी स्ट्रेटजी है मेरे पास। सबसे अच्छा जो सीखा रिलेटेड टू मनी साइकोलॉजी, एप्रिसिएशन फॉर मनी, मनी लव्स स्पीड एंड अट्रैक्ट अबंडेंस, तो ये कहीं और सीखने को नहीं मिलता है, वर्कशॉप में आए तो सीखने को मिला, उसको थोड़े दिन प्रैक्टिस भी करना है। यस, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिंकू जी, बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड ट्रेडर है। अभी काम चोरी वाला सेटअप भी सिखा दिया इस बार, चलेगा ना वो भी? चलेगा, इजी डेज में तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, कभी कभी हमारे अपने पर्सनल काम में की वजह से हम ट्रेड ही नहीं कर पाते, बहुत टाइम ऐसा ही होता है। हाँ, तो अभी वो भी कर सकते हैं, छूटेगा नहीं, एक दो मिनट देना है बस, लगा के चल देना है। चलो भाई, जिधर जाना जाते रहो। रिंकू जी, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट दूं? यस। सर सर पीछे से बोलते हैं, रिंकू में मुझे अपनी परछाई दिखती है, बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। तो रिंकू जी के लिए एक जबरदस्त तालियां। मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने हार्डली सर को कभी फोन किया होगा, तो मेरी सर से बहुत बात नहीं होती है। बिकॉज सर ने इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए थे ना हम, और सर ने इतना सिंपल पढ़ा दिया ना, तो मुझे अपने आप में फील होता है कि मैं फिर भी सर को फोन करूंगा तो पूछूंगा क्या। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत अच्छे ट्रेडर है, वो बैच वन में थे, दिनेश जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मेरे पड़ोस में रहते, और पहले बैच में उन्होंने ज्वाइन किया था, वो बहुत दिन से बोलते थे सिखा दो सिखा दो सिखा दो, उन्होंने भी कहीं नहीं सीखा था, और उनको भी मैंने सिखाया, और उस समय तो इतना कैंडलस्टिक भी नहीं सिखाते थे, खाली एमएसडी सिखा देते थे, और आराम से कॉल भेजते और 70,000 80,000 70,000 80,000। अब मैंने बोला आप स्क्रीनशॉट मत भेजो, सो गया बस। और कभी ट्रेड ये गलत हो गया, ये लिया नहीं लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कभी कॉल नहीं, कभी पैसे भेज दिए, ये 10,000 का लॉस हो गया और 80,000 का प्रॉफिट हो गया कभी, लेकिन कॉल करके बोला नहीं कि ये लूँ ये नहीं लूँ, खुद डिसाइड कर लेते। तो कुछ लोगों को जल्दी मेरी बात समझ में आ जाती है, और जिनको देर में समझ में आता है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। काफी ज्यादा है उपने मिला स्ट्रेटजीज में, आई वाज वेरी वीक, बट आपने जो सिखाया है आई थिंक आई एम टेकिंग बैक अ लॉट, एंड आई विल बी डेफिनेटली वर्किंग ऑन स्ट्रेटजीज एंड बैक टेस्टिंग। नेक्स्ट, आसान है कि नहीं? डेफिनेटली सर, एक मून साइकिल डे पकड़ लिया ना, पूरे महीने की सैलरी इन, महीना में 4 दिन होता है। मेरे को लगता है कि हम कितना भी ट्रेड करें, वर्कशॉप में आने से कुछ ना कुछ चेंज अपने आप को फील होता है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लोगों की साइकी आपको देखने मिलती है, अनुभव करने का एक मौका मिलता है, अपना अनुभव होता है कि कौन कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, कि मैं ही गलती कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, या अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मेरा कोई एरर है। हम 4 लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है, और कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात, अरे मैं यही तो नहीं देख रहा था, इसी पे तो मेरा मिस्टेक हो रहा था। तो आई थिंक हर वर्कशॉप में आना तो चाहिए, उससे हमारा ही डेवलपमेंट होना है। और रही बात सर, तो कभी भी बोले तो आई एम ऑलवेज देयर, आना ही पड़ेगा सर, इन पे विश्वास है ना, बुलाएंगे तो कुछ देके ही भेजेंगे। इन्होंने मुझसे पूछा, एक हफ्ता पहले कॉल किया, पूछा कुछ नया सिखाएंगे क्या। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा सिखाऊं कि लोगों को लगे हाँ क्या, ऐसी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको एक सिखाई है ना, ऐसे कितनी स्ट्रेटजी है मेरे पास। मैं वो सब ट्रेड करता हूँ टाइम के हिसाब से, जब जैसा मौका लगा, जैसा चार्ट दिख रहा है वैसा ट्रेड करता रहता हूँ। इस अगले क्लास में आएंगे तो मैं हो सकता है कुछ और सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कॉपी कर लेगा, ये तो बहुत अच्छा है, करने दो यार। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी है, भगवान ने दिमाग दिया है तो इस्तेमाल करते हैं उसका, और क्या।